तो दोस्तों फाइनली महिंद्रा ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दौड़ में हिस्सा ले लिया है, अपनी पहली गाड़ी लॉन्च कर दी है। एक्चुअली ये पहली नहीं है, इससे पहले भी महिंद्रा ने एक अपनी गाड़ी लॉन्च की हुई है मार्केट में, जिसका बहुत से लोगों को नहीं पता। तो आज हम बात करेंगे महिंद्रा की SUV के बारे में, जिसे लॉन्च किया है टाटा नेक्सन और MG ZS के कंपैरिजन में। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है। अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो XUV300 वाला ही डिज़ाइन पूरा ओवरऑल लिया गया है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। 4200 mm इसकी लेंथ है, यानी कि ये कॉम्पैक्ट SUV बन गई है। सब कॉम्पैक्ट से अब ये कॉम्पैक्ट SUV है। बाकी अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो सेम वही है XUV300 वाला। अब हम बात करते हैं पावर और रेंज की, जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV की जान होती है। तो इसमें आपको बैटरी मिलने वाली है 39.4 kWh की, जो कि डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। इसके अलावा ये आपको 145 BHP की पावर जनरेट करके देगी, 310 Nm का टॉर्क देगी। 310 Nm का टॉर्क कोई कम नहीं होता, इसका मतलब है कि पहाड़ियों पे आप आसानी से जा सकते हैं। XUV300 का भी 300 Nm टॉर्क आपको मिल जाता है। अगर इसके स्प्रिंट की बात करें तो 0 to 100 km/h की स्पीड आपको 8.3 सेकंड में ही मिल जाती है, और टॉप स्पीड है 160 km/h की। तो ये एक कॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन कॉम्पैक्ट SUV में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी रेंज भी आपको ज़्यादा मिल जाती है, 456 km की रेंज कंपनी ने क्लेम की हुई है, लेकिन अगर आपको 400 भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर बैटरी चार्जिंग की बात करें तो 80% चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर से 50 मिनट में, और 50 kW का अगर आप DC चार्जर यूज़ करते हैं। अगर घर का कोई चार्जर यूज़ करेंगे तो 13 घंटे लग जाएंगे गाड़ी पूरी चार्ज होने में। इंटीरियर वगैरह आप देख ही रहे हैं स्क्रीन में कि इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स मिल जाती हैं, और पावर वगैरह तो मैंने आपको बता ही दी है कि कितनी पावर मिलती है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक SUV है तो इसमें आपको फीचर्स तो मिलेंगे ही अच्छे खासे। XUV400 थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें बूट स्पेस भी आपको ज़्यादा मिलती है, 378 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और कलर ऑप्शन भी आपको अच्छे खासे इसमें मिल जाते हैं। इंटीरियर में आपको 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, और कनेक्टेड कार के फीचर भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट, पावर फोल्डेबल विंग मिरर एक्सेट्रा। सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS मिल जाएगा, EBD मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाएगा, और हिल डिसेंट असिस्ट भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 17 से 22 लाख रुपए प्राइस इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपको कितना लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए। तो महिंद्रा की पहली ESUV आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।